आज की इस कक्षा में हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के योग एवं व्यवकलन के गुण, अर्थात परिमेय संख्याओं के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या क्या उसके गुण होते हैं। तो हम पहला गुण हमारा है, ये है संवृत गुण। संवृत गुण, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, देखते हैं ये क्या होता है। तो संवृत गुण में जो हम पहला देख रहे हैं वो है योग के संवृत गुण। योग में क्या संवृत गुण होता है परिमेय संख्याओं में? हम दो परिमेय संख्याओं लेते संख्याएं लेते हैं, 3/4 और जोड़ -5/7। दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं, तो आइए हम लोग जोड़ तो सीख चुके हैं, जोड़ करते हैं। इसका लसा यानी एलसीएम 28 हो गया और यहां हो जाएगा 21 जोड़ और यहां हो जाएगा -20। तो इसे हम जोड़ते हैं 21 जोड़ -20, तो ये आ गया मेरा 1/28। तो हम यहां देख रहे हैं कि 3/4 ये एक परिमेय था और -5/7 ये भी परिमेय संख्या है, और जब इसको हम जोड़ते हैं तो 1/28 जो आ रहा है यह भी परिमेय संख्या है। तो इस गुण को हम कहते हैं संवृत का गुण। तो यहां यह संवृत का गुण लागू होता है, अतः परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत है। यह स्पष्ट हो गया होगा कि दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है या जो जोड़ आता है वह भी परिमेय संख्या ही होती है, और इसी को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं योग के अंदर अंतर्गत संवृत है। अब हम दूसरा देखते हैं व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत संवृत गुण। हम ये चेक करेंगे कि क्या व्यवकलन के अंतर्गत भी परिमेय संख्याएं संवृत हैं अथवा नहीं। इसे हम एक उदाहरण की सहायता से देखते हैं। एक परिमेय संख्या हमने लिया 3/8 और घटाओ -5/4। अच्छे, तो लॉस कितना हो जाएगा हमारा, यानी एलसीएम 8 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 3 घटाओ और ये हो जाएगा 4 से इसमें भाग देंगे 8 में, तो 2 और 2 से 5 में देंगे, 5 से गुना करेंगे तो 10, ये हो जाएगा -10। तो इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं कि ये हो जाएगा 3/10/8 यानी 13/8। तो यहां हम फिर देख रहे हैं कि ये 3/8 भी परिमेय था, ये -5/4 भी परिमेय था
और जब इनका हम अंतर लेते हैं तो यह जो संख्या आती है परिमेय संख्या, यह जो संख्या आती है यह भी परिमेय संख्या है। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि योग के अंतर्गत भी परिमेय संख्या संवृत है और व्यवकलन के अंतर्गत भी परिमेय संख्याएं संवृत हैं। अब हम दूसरा गुण देखते हैं इसका, यह है क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय नियम या गुण भी कह सकते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें फिर से हम पहले योग के संबंध में देखेंगे। योग के अंतर्गत क्रम विनिमय, फिर से हम लोग उदाहरण की सहायता से इसको देखते हैं। ये एक परिमेय संख्या हमने लिया 3/4 और इसमें जोड़ते हैं -5/7, तो ये हमारा आ जाएगा, जोड़ हम लोग सीख चुके हैं, ये हो गया लॉसा या एलसीएम 28 और यहां हो जाएगा 21 और जोड़ -20, तो ये आ जाएगा हमारा 1/28। अब हम क्या करते हैं, ये जो परिमेय संख्याएं हमने दो ली हैं और इसका जो क्रम हमने रखा है पहले 3/4 और फिर -5/7, इसका क्रम इस बार बदल के जोड़ते हैं। पहले रखते हैं -5/7 और फिर रखते हैं 3/4, तो इसका लसा फिर वही आएगा 28, इसका एलसीएम 28 आ गया और यहां आ गया हमारा -20 और ये +21, तो अब ये क्या हो गया, हमारा आएगा फिर से 1/28। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम परिमेय संख्याओं का क्रम बदल दे रहे हैं फिर भी जो जोड़ है या जो योग है वो एक ही आ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हम इसको मानक रूप में कहें तो a+b=b+a, क्रम बदलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अतः हम कह सकते हैं परिमेय संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय है। अब हम
व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमेय है या नहीं इसकी जांच करेंगे। व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमेय, इसे भी एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। एक परिमेय हमने लिया 3/4 और इसमें से हम घटाते हैं 1/2, ये दूसरा परिमेय संख्या हमने लिया, तो इसका लसा हो जाएगा हमारा एलसीएम हो गया 4 और ये 3 और ये 2, अर्थात 1/4। अब हम इन दोनों परिमेय संख्याओं का क्रम बदल देते हैं, अर्थात 1/2 घटाओ 3/4। अब देखते हैं ये क्या आता है रिजल्ट हमारा। हमारा एलसीएम तो यही 4 रह गया और यहां हो गया 2 घटाओ 3, तो ये आ गया हमारा -1/4। तो यहां हम देख रहे हैं कि इन दोनों परिमेय संख्याओं का अगर क्रम बदल के हम व्यवकलन करते हैं अर्थात घटाव करते हैं तो दोनों का रिजल्ट अलग आ रहा है, अर्थात a - b = b - a ये नहीं होता है ना। इसको पढ़ते हैं, is not equal to a - b is not equal to b - a, अर्थात a घटाओ b b घटाओ a के बराबर नहीं होता है। तो हम देख रहे हैं कि व्यवकलन में के अंतर्गत क्रम विनिमय परिमेय संख्याओं में नहीं होता है, तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं। अतः परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है।